हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल डोर। दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल डोर में। और आज हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे आपके फार्माकोग्नोसी के मोस्ट प्रोबेबल एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपके जीपैट 2020 में दिखाई दे सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें से बहुत से क्वेश्चन वहां पे आपको दिखाई दे सकते हैं और जो आपका टाइम है वो वहां पे सेव होगा, ताकि आप बाकी क्वेश्चन में भी उतना ही टाइम दे सके। तो दोस्तों, कुछ मिनट मैं लूंगा नए सब्सक्राइबर के लिए। मैं आपको ये बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये हमारा डूअर चैनल बहुत ही पुराना चैनल है और इसमें हम लोग हमेशा आपके जो जीपैट है और नाइपर है इसके लिए क्वेश्चंस आंसर डालते रहते हैं। रैंकर सीरीज दोस्तों बहुत ही पॉपुलर और हम लोगों की सबसे सक्सेसफुल वो सीरीज है, तो उसको जरूर करिएगा, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ सुपर 25 भी चलाई गई है, तो वो सारे एमसीक्यूज आपको वहाँ पे करने हैं। कहने वाले दोस्तों, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है आपके एग्जामिनेशन में आने की। साथ ही साथ दोस्तों, जो हमारा वेबसाइट है www.estudycard.com, वो आप कमेंट बॉक्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पे उस चीज़ को प्रिंट कर दी गई है, तो उस वहाँ पे आप स्टडी मटेरियल वगैरह भी ले सकते हैं, ताकि कम टाइम में आप इस एग्जामिनेशन को वहाँ पे क्रैक कर जाए। भले ही आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, बैड स्टूडेंट ना हो, लेकिन वो आपको वहाँ पे इक्वली वहाँ पे हेल्प करेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मूव करते हैं अपने फार्माकोग्नोसी की तरफ, क्योंकि बहुत से बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है व्हाट्सएप में, जिनका यह कहना था कि फार्माकोग्नोसी एक इम्पॉर्टेंट हमारा प्रायोरिटी रही है। ठीक है, मतलब कि हमारे प्रायोरिटी लिस्ट में वो सब्जेक्ट थर्ड नंबर पे रहा है, तो इसलिए हमें उस चीज़ के लिए भी कुछ करना चाहिए। दोस्तों, आज हम वही चीज़ आपके लिए लाए हैं। अभी ये रात के दोस्तों 10:20 हो गए हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम क्वेश्चन पढ़ के फिर सारे ऑप्शन पढ़े और फिर आपको आंसर बताएं। इससे अच्छा ये होगा दोस्तों कि मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पे कवर करने के लिए यही चीज़ है कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ूँ और उसका आपको आंसर बताता चलूँ। आपको जहाँ पे भी थोड़ा सा फास्ट लगे तो आप अपनी ये वीडियो वहाँ पे पॉज करके उस क्वेश्चन का आंसर आप पढ़ सकते हो। तो दोस्तों, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। द वोलेटाइल ऑयल्स आर कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ, तो दोस्तों जो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कि volatile oils are complex mixture of mono and sesquiterpenes and phenyl propane derivative, तो option number one। फिर इसके बाद question number two है कि which of the following are known as balsams, तो इसका answer है balsams are resins dissolved in volatile oil, means option number one। third है कि alkaloids are naturally occurring compounds which contain in their molecules, तो alkaloids are naturally occurring compounds which contain one or more nitrogen atoms originating from amino acid, option number D जो है हमारा वो है यहाँ पर right answer। फिर आपसे पूछा जा रहा है question number 4 में कि the iridoids are, तो इसका answer है दोस्तों iridoids are option number 4 D, precursors of the biogenesis of certain alkaloids। तो दोस्तों, ये सारे ही पॉइंट्स आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनकी प्रोबेबिलिटी एग्जामिनेशन में आने की बहुत ही ज्यादा है। और क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू गेट एल्कलॉइड्स इन बेस फॉर्म फ्रॉम प्लांट मटेरियल, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मेकिंग एन एक्सट्रैक्ट विद बेस एंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज व्हाई मॉर्फीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स एकॉम्पनिंग एल्कलॉइड्स, तो दोस्तों यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेनेशन इज राइट फॉर व्हाई मॉर्फीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इट्स एकॉम्पनिंग एल्कलॉइड्स, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि मॉर्फीन कंटेन्स a phenolic hydroxyl group whereas the accompanying alkaloids have none, means option number C यहाँ पे right है। फिर question number 7 है आपका कि which of the following is the skeleton of cinchona alkaloids, तो दोस्तों इसका right answer है rubinol, option number D। which of the following is the reagent for alkaloids, तो इसका right answer है potassium tetraiodomercurate, means option number D। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ergot is the खाली जगह ऑफ द फंगस क्लेविसेप्स परप्यूरिया, और इसका राइट आंसर है दोस्तों ड्राइड स्क्लेरोटियम। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि वीडियो पॉज करके आप इसका राइट आंसर वहां पे
देख सकते हैं। मेरा मेन मकसद दोस्तों यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करना, क्योंकि अब एग्जामिनेशन बहुत नजदीक आ गया है आपके, मोस्ट प्रोबली मतलब कि आपके अप्रोक्सीमेट 2 मंथ्स यहाँ पे बाकी हैं, तो कोशिश यही है कि मैक्सिमम पोर्शन यहाँ पे कवर किए जाए, मैक्सिमम पॉइंट्स आपके सामने लाए जाए। तो सारे वीडियो जो नए बच्चे हैं जरूर देख लें, हमारा डूवर्स जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, और जो प्लेलिस्ट है जीपैट की वहाँ पे भी आप इसको जाके देख सकते हैं, या लेटेस्ट वीडियोस में आप देखोगे तो आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएंगे। फिर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कॉटन एंड स्टार्च। इसका राइट आंसर है कि कॉटन इज बिल्ट अप फ्रॉम ग्लूकोज रेसिड्यू, ऑप्शन नंबर सी की मैं बात कर रहा हूँ। कॉटन इज बिल्ट अप फ्रॉम ग्लूकोज रेसिड्यूज लिंक्ड बाय 1,4 बीटा डी ग्लूकोज बॉन्ड्स, वेयर इज स्टार्च कंटेन्स ब्रांच्ड एंड लीनियर चेन्स ऑफ 1,4 अल्फा एंड 1,6 अल्फा डी ग्लूकोज रेसिड्यूज। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लेवोनॉइड्स ऑफ सिलिवियम मेरियनम, एंड द राइट आंसर इज फ्लेवोनेलिग्नेन, मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेस्ट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंथ्राकिनोन्स। एंथ्राकिनोन्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए कौन सा टेस्ट यूज होता है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मीन्स द बॉन ट्रैगर टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वे टू डिटेक्ट प्रोसाइनाडिन्स, तो प्रोसाइनाडिन्स को डिटेक्ट करने के लिए इसमें से कौन सा वे सही है, और इसका राइट आंसर है व्हेन हीटेड विद कंसंट्रेटेड HCl प्रोसाइनाडिन्स गिव्स अ रेड कलर, ऑन एक्सट्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर विद BuOH द ब्यूटेनोलिक फेस टर्न्स रेड। इस तरह हम इसको डिटेक्ट कर सकते हैं, मींस ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द वोलेटाइल ऑयल कंटेंट्स ऑफ हर्बल ड्रग्स। दोस्तों आपको फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द वोलेटाइल ऑयल कंटेंट्स ऑफ हर्बल ड्रग के लिए कौन सा एसे यूज होता है ये बताना है, और इसका राइट आंसर है दोस्तों हम लोग यूज करते हैं स्टीम डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि व्हाई इज इट नॉट रिकमेंडेड टू यूज रियम रेपोनिटिकम इंस्टेड ऑफ रियम प्लेमेटम फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, और इसका राइट आंसर है बिकॉज रियम रेपोनिटिकम कंटेन्स आर स्टिल बीइंग डेरिवेटिव व्हिच हैज अनडिजायरेबल हार्मोनल एक्टिविटी, मींस ऑप्शन नंबर डी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 16 है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स ट्रांसफॉर्म्स टू कैमेजिलिन ऑन स्टीम डिस्टिलेशन, और इसका राइट आंसर है दोस्तों मेट्रिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कंटेन इनुलिन, एंड आवर राइट आंसर इज सिचोरी रेडिक्स। क्वेश्चन नंबर 18, हशीश इज द खाली जगह ऑफ कैनबिस सेटाइवा, और इसका राइट आंसर है हशीश इज द रेसिन ऑफ द फीमेल फ्लावर्स ऑफ कैनबिस सेटाइवा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपियम, और इसका राइट आंसर है द ड्राइड लेटेक्स एक्सुडेट ऑफ द अनराइप इनसाइज्ड कैप्सूल्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉमन स्केलेटन ऑफ फिजियोलॉजिकली एक्टिव एर्गोलिन एल्कलॉइड्स, एंड द राइट आंसर इज लाइसर्जिक एसिड। पॉपी स्ट्रा इज द इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल ऑफ मॉर्फिन प्रोडक्शन बिकॉज, एंड द राइट आंसर इज बिकॉज पॉपी स्ट्रा इज द चीपेस्ट अवेलेबल रॉ मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अचीवमेंट्स इज एसोसिएटेड विद मिकलॉस बेकेसी, और इसका राइट आंसर है द कल्टीवेशन ऑफ एरगॉट, मींस ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हैज द हाईएस्ट कैफीन कंटेंट, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 गुआराना। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट इज नॉट प्रेजेंट इन मेट्रिकरी एथियोलियम, और इसका राइट आंसर है मेट्रिसिन, मींस ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि इनुलिन इज अरेबिन पेक्टिन गैलेक्टेन मेनेन या फ्रक्टोज, और इसका राइट आंसर है इनुलिन इज अ फ्रक्टोज। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अल्कलॉइड विद अ प्यूरीन स्केलेटन, एंड द राइट आंसर इज थियोब्रोमीन. क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स हैज अ कार्मिनेटिव इफेक्ट, एंड द राइट आंसर इज फिनिक्यूली फ्रक्टस. क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कंटेन्स एजीन, एंड द राइट आंसर इज एलिसिटाइवी बल्बुलस. क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इररिवर्सिबल कॉम्प्लेक्सेशन विद प्रोटीन्स, एंड द राइट आंसर इज टेनिन्स. क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कंटेन्स ऑक्यूबिन, एंड द राइट आंसर इज प्लांटेजिनस लैंसुलेटे फोलियम. क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि हाइट पाउडर इज यूज्ड इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टैनिन क्वेंटेशन बिकॉज हाइट पाउडर रिएक्ट्स विद टैनिन्स. मींस ऑप्शन नंबर ई इज राइट. नाउ क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड इज अर्बिटिन यूज्ड इन यूरोलॉजिकल इन्फेक्शन, एंड द राइट आंसर इज अफिनोलिक ग्लाइकोसाइड. क्वेश्चन नंबर 33, विद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन द टर्शियरी अल्कलॉइड्स बी एक्सट्रैक्टेड इन सॉल्ट फॉर्म, एंड द राइट आंसर इज विद एन एसिडिक एक्वस सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स कंटेन्स एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव. तो आपको बताना है कि कौन सी ड्रग यहां पे एंथ्राक्विनोन डेरिवेटिव कंसिस्ट करती है. इसका राइट आंसर दोस्तों री रेडिक्स. Question number 35, which of the following reagents is suitable for identification of the cecal cornutum alkaloids, and the right answer is the Van Herk reagent. Iridoids are, and the right answer is iridoids are monoterpenes with a cyclopentasypyrene structure. Question number 37 कहता है, the bitter value is the empty space of an extract made of 1 gram of drug which just has a bitter taste. और इसका right answer है, the bitter value is the highest dilution of an extract made of 1 gram of drug which just has a bitter taste. Question number 38 कहता है, which of the following drugs contain laxative compounds? और इसका right answer है दोस्तों, जो सिनेफोलियम है, उसमें laxative compound होते हैं. Which of the following is the toxic compound of linseed, and the right answer is linamarin. Question number 40, linoleic acid is a, dosto linoleic acid is a unsaturated 6 fatty acid, means option number B is right. Which of the following contains a fixed oil rich in linoleic acid, aur iska right answer hai dosto ontharabinase. Question number 42, which of the following compounds contain a nitrogen atom, and the right answer is option number E, alkylamines. Question number 43, atropine is a 1:1 mixture of D and L, hyoscyamine. Question number 44, which of the following mystic plant contains alkaloids with a propane skeleton, and the right answer is mandrake. क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेशन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कैप्सिकी फ्रक्टस, एंड द राइट आंसर इज प्रमोशन ऑफ वाउंड हीलिंग, मींस ऑप्शन नंबर सी इज राइट. क्वेश्चन नंबर 46 कहता है, द मेन कंपाउंड ऑफ इफिड्रा हर्बा इज द एनालिक ऑफ द सिंथेटिक मॉलिक्यूल, एंड द राइट आंसर इज एम्फेटामीन. Question number 47, which of the following compounds is characteristic of Rolfia radix, and the right answer is reserpine. Question number 48, the comfrey root is only suitable for topical application because the drug contains, and the right answer is pyrrolidine alkaloids. Question number 49, the toxic conifructus can easily be confused with, and the right answer is confused with anise seed. Question number 50, which of the following is the main active component of betel nut, and the right answer is ericolin. Question 51 कहता है कि which of the following types of compounds are the capsaicinoids, and the right answer is protoalkaloids. Question number 52, which of the following is the medicinal use of common
fumetry. And the right answer is enhancing biosynthesis and excretion. The basic structure of boldifolium alkaloids is. And the right answer is apophene. Question number 54 कहता है कि विनपोसिटीन जिसका ब्रांड नेम है कैविंटोइन इज अ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ द मेन एक्टिव कंपाउंड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स एंड द राइट आंसर इज विंका माइनर. तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ कंपाउंड डस टैक्सोल बिलोंग एंड द राइट आंसर इज डाइटर्पीन एल्कलॉइड. क्वेश्चन नंबर 56 कहता है which of the following statements relating to the traditional herbal medicinal product is false. So, दोस्तों यहाँ पे आपको false statement ढूंढना है regarding traditional herbal medicines के. तो दोस्तों जो यहाँ पे wrong statement है वो है attributing a preventive or curative effect of this product is forbidden. तो option number A आपका false है. तो जब आप notebook में इस चीज को note down करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप ये फॉल्स हटा दीजिएगा. कहने का मतलब ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिनल के कौन कौन से क्वालिटीज हैं बी सी डी ई ये सारे ये चारों ऑप्शन आप नोट डाउन कर लीजिएगा. इस तरह कोई भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा तो आप उसको कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 57 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन वाज डेवलप्ड फ्रॉम द एल्कलॉइड कैम्फोथेसिन इसोलेटेड फ्रॉम कैम्फथेका एक्यूमिनाटा और इसका राइट आंसर है दोस्तों एंटी कैंसर मेडिसिन. Question number 58, which of the following types of medicine was developed from Galigene isolated from Galiga officinalis? And the right answer is anti-diabetic. Question number 59, which of the following is the advantage of collecting medicinal herbal from their natural habitat? And the right answer is no culturing costs are involved. Question number 60 कहता है, which of the following groups of compounds consist of primary metabolites? और इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स. क्वेश्चन नंबर 61 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर फीचर्स इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सैपोनिन्स और इसका राइट आंसर है दोस्तों दे आर ट्राइटर्पीन ग्लाइकोसाइड्स. क्वेश्चन नंबर 62 द एसेंशियल ऑयल ऑफ मेलिसा ऑफिसिनेलिस इज समटाइम्स फॉल्सिफाइड विद द एसेंशियल ऑयल ऑफ एंड द राइट आंसर इज सिम्बोपोजेन विंट्रियानस. Question number 63, flavonoids such as are able to decrease the permeability of the capillaries. And its right answer is flavonoids such as hesperidin and rutin are able to decrease the permeability of the capillaries. Which of the following types of components are used in phytochemotherapy means PUA? And the right answer is furanocumarins. Okay, furanocumarins. Now, question number 65, which of the following is the tetracyclic oxindole alkaloid of Uncaria tomentosa radix? And the right answer is rincophyllin. As defined by the European Pharmacopoeia, which of the following are herbal drugs? Question number 16 है कि as defined by the European Pharmacopoeia, which of the following are herbal drugs? तो इसका right answer है दोस्तों, mainly option number B, mainly unprocessed whole or ground plants, algae, fungi or lichen, which are particularly used after drying or sometimes in the fresh state. Question number 67 कह रहा है कि chromatography or normal face silica gel is based on which of the following physiochemical process? And the right answer is adsorption. So, chromatography जो normal face silica gel में होती है, दोस्तों, उसमें आपका physiochemical process जो involved होता है, वो होता है adsorption. Which of the following chromatographic technique always use forced flow? And the right answer is rotation planar chromatography. Which of the following is the definition of chromatographic RF means retention factor value. तो यहाँ पे आपको chromatographic RF means retention factor value का definition बताना है. ठीक है दोस्तों ये सब आपने practical में किया होगा और जो maximum question आपसे GPAT में पूछे जाते हैं वो आपके practical जो होता है वहाँ से भी उठाए जाते हैं. तो हमेशा ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों का. तो दोस्तों यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है definition of chromatographic retention factor value और इसका right answer दोस्तों
It is the distance. Option number C means the distance that a particular compound moves divided by the distance of the solvent front from the start. Question number 70 कहता है, which of the following is the shape of maize starch grains? And the right answer is polygonal with a central triangular or 2 to 5 stellate cleft ilium. Question number 71 कहता है, which of the following processes can be used to prepare an extract rich in polysaccharides from linseed? And the right answer is from whole seeds with hot water. Question number 72 कहता है, which of the following is characteristic of mucilage? And the right answer is, they undergo hydrolysis to monosaccharide units upon boiling. Question number 73, which of the following is the main method for the preparation of fixed oils used in medicine? And the right answer is, cold extrusion, means option number C. Question number 74, flavonoids can be detected with reactions based on complex formation. Which of the following substituents on the flavone skeleton prevent this? And the right answer is OCS3 on C5 and aapka OH group on C3. Example, nobiletin. So, aapka option number D yahan pe bilkul correct hai. Question number 75, which of the following forms are alkaloids mainly present in plants? And the right answer is salts of mineral acids. Question number 76, in which of the following ways can alkaloids be extracted from plants in salt form? And the right answer is option number C, shaking with acidified water at room temperature or above. Question number 77, with which of the following test can the alkaloids of deadly nightshade be identified? And the right answer is the Whiteley test. Question number 78, in which of the following ways is lavendulae petroleum prepared? And the right answer is steam distillation. Question number 79, which of the following is a suitable region for the TLC detection of carbone? And the right answer is for 2,4-dinitrophenylhydrazine. Question number 80, which of the following does the humidity index indicate? And the right answer is the saponin content of the drugs. Question number 81, which of the following reagents is suitable for the detection of the cardioactive glycosides of Digitalis purpurea folium? And the right answer is for 3,5-dinitrobenzoic acid plus sodium hydroxide solution, means option number E. Question number 82, with which of the following methods can the anthraquinone derivative content of a drug be detected? And the right answer is after extrusion of the drug with organic solvent and mixing with diluted ammonium hydroxide solution, the separating alkaline phase shows a reddish orange or red color. So our option number B bilkul yahan pe right hai. Which of the following method is specified by the European Pharmacopoeia for quantification of the anthraquinone glycoside content of drug? And the right answer is for spectrophotometry, option number C. Then question number 84, which of the following is a C-glycoside? And the right answer is alloin, option number D. Question number 85, which of the following factors does not influence the effectiveness of chromatographic separations? So, dosto yahan pe aapse does not pucha gaya hai. To uska answer hai option number D, the optical rotation of the solvent system. Question number 86, during steam distillation, matricin breaks down. Which of the following step is not involved in this process? Dosto, iska right answer hai water addition. Question number 87, which of the following drugs contain homopolysaccharide? And the right answer is solanoamylum. Question number 88, which of the following factors does not influence the effectiveness of extraction? And the right answer is the refractive index of the compounds to be extracted. Question number 89, which of the following volatile oils has a higher density than that of water? And the right answer is caryophyllene ethereolium. Question number 90, which of the following is calendula floss? And the right answer is an epithelogenic. Question number 91, which of the following is a Cilebi Mariani fructus? And the right answer is a hyptoprotectin. Question number 92, which of the following are active agents of alkylamine?
and the right answer is 10 is ellagic acid derivatives. Question number 93, which of the following is the use of alchemy herba in medicine? And the right answer is for the treatment of eczema and skin inflammation, means option number B. Question number 94, which of the following is the use of calendula floss in medicine? And the right answer is for the treatment of skin and mucosal inflammation, means option number E is right. Question number 95, which of the following is the use of gingivirus rhizoma in medicine? And the right answer is option number B as antiemetic during travel sickness. Now question number 96, which of the following is the use of hydrofolium in medicine? And the right answer is for expectorant, sacroiliac and spasmolytic. Now question number 97, which of the following compounds are responsible for the bitter taste of lipoli floss? And the right answer is chloroglycine derivative. Question number 98 kehta hai ki which of the following compounds of hippolyte herba has a photosensitizing effect? Iska right answer hai dosto hippolyte. Question number 99, which of the following is the official name specified by the European pharmacopoeia of the drug of bearberry, means acrotostaphylos uaurici? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका क्यूवीयूरसीफोलियम. नाउ क्वेश्चन नंबर 100, द वोलेटाइल ऑयल इज प्रिपेयर्ड बाय मैकेनिकल प्रेशर एक्सट्रूशन एंड इट्स राइट ऑप्शन इज सिट्रस सिनेसिस, मींस ऑप्शन नंबर डी इज राइट. तो दोस्तों ये है आपके मोस्ट प्रोबेबली आपके 100 क्वेश्चन फॉर फार्माकोग्नोसी. इसके मल्टीपल क्वेश्चंस विद आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, लेकिन दोस्तों इसके लिए जरूरी है कि ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए. अभी तक नहीं किए हैं तो इसको आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए. अपने फ्रेंड्स, अपने जो कॉलेज के क्लासमेट्स वगैरह हैं, कलीग्स वगैरह हैं, उनको भी शेयर करिए ताकि हमारा ये चैनल यूं ही बढ़े और आपकी क्वेरी से हमें पता चलता है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए, क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी. मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन या जो मेजोरिटी ऑफ डाउट और क्वेरीज है उसके आधार पर हम आपके लिए नई नई चीजें लाते हैं, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि आपको कहाँ पे क्या चीज प्रॉब्लम होगी. जैसे कि दोस्तों आप सबको पता है कि एग्जामिनेशन मैंने दो बार क्वालिफाई किया है, तो इसका जो भी एक्सपीरियंस है वो सब मिला के हमारा स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, तो उस चीज को आप जरूर लीजिए. भले ही आप अभी मतलब कि ज्यादा दिन नहीं हुआ प्रिपरेशन स्टार्ट किए हुए, तो भी मैं यही कहूँगा दोस्तों कि आप लोग यहाँ पे कर सकते हो. आप वहाँ पे बिल्कुल भी नेगेटिव मत सोचो कि बहुत ही कम समय रह गया, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों. ये चीज़ हमें पूरा पता होती है कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन वगैरह रहते हैं. इन सब चीज़ों को ही जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने वो सारे स्टडी मटेरियल वो तैयार किए हैं, उसमें मैंने वो लेक्चर्स वहाँ पर प्रोवाइड किए हैं ताकि आप कम समय में ठीक है वो एग्जामिनेशन क्रैक कर जाओ. मेन चीज़ ये है दोस्तों कि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक करो, क्योंकि बहुत एजेंशियल है. इससे आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है, आपका जो कैरियर है वो बिल्कुल यहाँ पे बेटर होने वाला है. तो बिल्कुल भी आप हिम्मत मत हारिएगा. अगर आप नए भी हैं, आप यहाँ पे एवरेज स्टूडेंट हैं, आप बहुत ही ब्राइट नहीं हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो भी दोस्तों बिल्कुल हिम्मत मत हारिएगा, क्योंकि इस एग्जामिनेशन में आपको 40 से 50 क्वेश्चन राइट करने हैं और आप वहाँ पे 3 लाख अप्रॉक्स वहाँ पे जो स्कॉलरशिप है उसको आप वहाँ पे गेन कर सकते हैं. दोस्तों मैं ये भी बता दूं, कुछ बच्चों का पूछना था कि अगर हम कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं फॉरेन फार्मा तो भी क्या हमें स्कॉलरशिप मिलेगी? दोस्तों ऐसा नहीं है. ये स्कॉलरशिप इसलिए ही प्रोवाइड की जाती है ताकि आप वहाँ पे हायर एजुकेशन के लिए जाएं, और इसलिए ये एग्जामिनेशन थोड़ा यहाँ पे ईजी हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हायर एकेडमिक्स की तरह आपके रिसर्च की तरफ निकले. तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि इस एग्जामिनेशन को आप जरूर दीजिए और आप जरूर मतलब मदद लीजिए हमारे वेबसाइट से जो भी है, और अगर आपको कहीं और से भी मदद मिलती है दोस्तों उसको भी आप लीजिए. लेकिन ये मत सोचिएगा कि ये एग्जामिनेशन आप नहीं निकाल सकते क्योंकि अभी तक आपने पढ़ाई नहीं की, ऐसा बिल्कुल नहीं दोस्तों. ये बहुत ही ईजिली आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो. ये सेमेस्टर की तरह नहीं है कि आपको यहाँ पर सब कुछ पढ़ना है, बल्कि आपको एक लिमिटेड चीज़ पढ़नी है और आप यहाँ पर एग्जामिनेशन आसानी से क्वालिफाई कर जाओगे. दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, साथ ही साथ अपना क्वेरी या डाउट है तो जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर वेबसाइट
वो मैं आपको इस कमेंट नीचे लिंक पे दे दूंगा, तो उससे आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय।